हेलो दोस्तों, यदि आप भी झारखंड बोर्ड से हैं और आपके भी किसी भी सब्जेक्ट में कंपार्टमेंटल एग्जाम लग गया है तो आप सभी के मन में कंपार्टमेंटल एग्जाम को लेकर काफी सवाल है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर आपके जितने भी कंपार्टमेंटल एग्जाम को लेकर सवाल है उन सभी सवालों को मैं इस वीडियो के अंदर क्लियर कर दूंगा। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आप सभी को कंपार्टमेंटल की अच्छे से तैयारी करवाई जाएगी। आप सभी को मैं वादा देता हूं कि मैं आप सभी की एक साल बर्बाद होने से बचा दूंगा। आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप वहां जाइए, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको क्लासों की अपडेट मिलती रहेगी। और सबसे जो आपका बड़ा सवाल है कंपार्टमेंटल एग्जाम को लेकर, वो मैंने लिया है सबसे लास्ट में कि कंपार्टमेंट मार्कशीट वैलिड होगी या फिर नोट वैलिड होगी फ्यूचर के लिए। आप सभी को ये डर लग रहा है कि सर यदि हमने कंपार्टमेंटल एग्जाम दिया तो हम पास हो गए तो आगे हमें फ्यूचर में कोई कंपटीशन एग्जाम देंगे या फिर कोई हम कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो क्या हमें कोई प्रॉब्लम आएगी या फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आए। ये सबसे बड़ा सवाल होता है बच्चों का, इसको भी बच्चों में आपको अच्छे से समझाने वाला हूं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले आपका सवाल है कि कंपार्टमेंट एग्जाम क्या है। देखो, कंपार्टमेंटल एग्जाम एक ऐसा एग्जाम होता है जो हमारा एक साल बचा देता है। यदि आप एक या फिर आप दो सब्जेक्ट में फेल हो गए हो तो आप क्या करोगे, इस एग्जाम का फॉर्म भरकर आप इसी साल उस सब्जेक्ट का आप एग्जाम दे सकते हो। यदि आप एग्जाम देने के बाद उस एग्जाम को पास कर जाते हो तो फिर आप नेक्स्ट क्लास में हो जाते हो। और ट्वेल्थ क्लास के स्टूडेंट है वो क्या करेंगे, भाई ग्रेजुएशन करेंगे तो आप अगली क्लास यानी ग्रेजुएशन में पहुंच जाते हो। तो ये फायदा है कंपार्टमेंटल एग्जाम देने का, यानी कि एक साल बच जाती है, साल समय भी बचता है बच्चों और हमारी मनी यानी कि पैसा भी बच जाता है। अगला सेकंड सवाल है आप सभी बच्चों का, इस सर जी कंपार्टमेंट जो एग्जाम होता है वो हम मैक्सिमम कितने सब्जेक्ट में दे सकते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, कंपार्टमेंटल एग्जाम आप मैक्सिमम दो सब्जेक्ट में दे सकते हो। दो से ज्यादा सब्जेक्ट में यदि आप फेल हो तो फिर आप ओवरऑल फेल माने जाओगे, आपका वो साल बर्बाद हो जाएगा, फिर आपको नेक्स्ट ईयर आपको फिर से एग्जाम देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि कंपार्टमेंटल जो एग्जाम होगा उसका जो फॉर्म डेट होगी वो सर कब से होगी, यानी कब हमारे फॉर्म भरे जाएंगे कंपार्टमेंटल एग्जाम के। तो ध्यान से सुनिएगा, देखो अब आपका मई स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो ये मान के चलिए 10 से 15 मई, यानी कि 10 से 15 मई यानी 15 से पहले मान लीजिए, 15 मई से पहले आपके जो फॉर्म है कंपार्टमेंटल के वो भाई निकल जाएंगे। और जब भी कंपार्टमेंटल के फॉर्म निकलेंगे उसकी बच्चों में आपको इन्फॉर्मेशन एक वीडियो के माध्यम से दे दूंगा, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर रख लीजिए। तो ये रही आपके फॉर्म की डेट, 10 से 15 मई तक आपका फॉर्म डेट निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई कि कंपार्टमेंट एग्जाम फीस कितनी होती है। सर हम कंपार्टमेंटल का फॉर्म भरेंगे तो उसकी मैक्सिमम फीस कितनी होती है, ध्यान से सुनिएगा, इसकी जो फीस होती है वो 700, कितने रुपए भाई, 700 रुपए के आसपास भाई इसकी फीस होती है। तो पिछले साल तो 700 रुपए थे, अब वो डिपेंड बच्चों ये भी करता है कि स्कूल वाले या कॉलेज वाले आपसे 800 फिर 900 भी ले लेते हैं, लेकिन 700 रुपए से ज्यादा भी हो सकती है इस साल। ये पिछले साल 700 रुपए रही थी, हो सकता है इस बार 750 या फिर 800 रुपए के आसपास आपकी फीस भरी जाए कंपार्टमेंटल के फॉर्म की। ये आपकी भाई फीस की बात हो गई। अब बात करते हैं आगे कि कंपार्टमेंट पेपर डेट, यानी कि सर जब हम फॉर्म भर देंगे तो हमारा जो पेपर होगा कंपार्टमेंटल का वो कितने दिन बाद होगा। तो ध्यान से सुनिएगा, जब आपका फॉर्म निकल जाएगा, जब आपका फॉर्म निकल जाएगा तो उसके मान के चलिए आप 1 महीना और 10 दिन, ज्यादा समय आपको नहीं मिलेगा भाई तैयारी करने के लिए, इतना समय आपको
दिया जाएगा। लगभग आप मान के चलिए 1.5 महीना आपको तैयारी के लिए दिया जाएगा और पूरा सिलेबस आपके पास में होगा, क्योंकि आप सभी का मकसद होगा कि जो हमारा कंपार्टमेंटल लगा है इस सब्जेक्ट में, तो क्यों ना इस सब्जेक्ट को हम अच्छे से पढ़कर परसेंटेज को अपनी ऊंचाई तक पहुंचाएं। तो ये आप सभी का मकसद होगा। इसीलिए दोस्तों अभी तक आपने ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। क्लासें बच्चों स्टार्ट होने वाली, सारी इंफॉर्मेशन आपको उस ग्रुप में दी जाएगी। तो ये भाई आपकी एग्जाम की डेट रहने वाली है। अब बात करते हैं कि कंपार्टमेंट जो एग्जाम होगा उसका सर जी रिजल्ट डेट क्या होगा, रिजल्ट हमारा कब तक आ जाएगा। देखिए, जब आपके कंपार्टमेंटल एग्जाम समाप्त हो जाएंगे तो लगभग मान के चलिए 20 दिन में आपका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। ज्यादा समय नहीं लेता है जेई बोर्ड, क्यों? क्योंकि उसको आगे कॉलेज में एडमिशन भी बच्चों को लेना होता है, तो इन सभी चीजों को मद्देनजर में रखता है और इस सारी जो प्रक्रिया है उसको बिल्कुल जल्दी से जल्दी करने का प्रयास करता है। मान के चलिए 2 से 2.5 महीने में ये सारा काम आपका हो जाता है। अगला क्वेश्चन सबसे बड़ा होता है, कंपार्टमेंट एग्जाम का सिलेबस क्या होता है सर जी? क्या इसका कोई अलग से सिलेबस झारखंड बोर्ड निकालता है? फिर सिलेबस हम कैसे पता करेंगे? देखो, इसका कोई अलग से सिलेबस नहीं निकाला जाता है। जो आपने मेन बोर्ड, जो इस बार आपने परीक्षा दी थी फरवरी के अंदर, जो सिलेबस आपने जिस सब्जेक्ट में आपको कंपार्टमेंटल लगा है उस सब्जेक्ट का जो आपने सिलेबस पढ़ा था मेन बोर्ड एग्जाम में, वही सिलेबस आपका कंपार्टमेंटल एग्जाम में आएगा। ऐसा कोई अलग से नोटिस जारी नहीं होता है कि कंपार्टमेंटल का सिलेबस भाई ये है, आप देख लो। ये कॉमन सेंस होता है, आपको समझनी होगी बातें। जिस सब्जेक्ट में आपको कंपार्टमेंटल लगा है उसका आप इस साल का जो सिलेबस था बोर्ड का, वही आपका सिलेबस रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि सर जी कंपार्टमेंट एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, पेपर का जो लेवल रहेगा पेपर किस पैटर्न का आएगा? तो जैसा आपका मेन बोर्ड एग्जाम हुआ था, आपने परीक्षा दी थी, सेम फोटोकॉपी मान लो डिक्टो वही रहेगा, सिर्फ क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे। ऐसा नहीं है भाई क्वेश्चन भी वही आएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं, क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे। जितने ऑब्जेक्टिव आए थे उतने ही ऑब्जेक्टिव आपको कंपार्टमेंटल में देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन कि कंपार्टमेंट एग्जाम पासिंग मार्क्स क्या है? सर जी ये भी बता दो कि पासिंग मार्क्स क्या होगा। देखिए, मान के चलिए आपने फिजिक्स का कंपार्टमेंटल एग्जाम दिया, 70 नंबर का आपका थ्योरी का एग्जाम होता है, 30 नंबर आपके प्रैक्टिकल के होते हैं। देखो, प्रैक्टिकल के जो नंबर मेन बोर्ड एग्जाम में भेजे गए हैं वही आपके कंपार्टमेंटल के एग्जाम में एड होंगे, ये बात समझनी होगी। ऐसा नहीं है कि दोबारा से आपका जो स्कूल है या कॉलेज है वो आपके प्रैक्टिकल नंबर देगा। मान के चलिए फिजिक्स में आपके 28 प्रैक्टिकल नंबर थे तो वो 28 ही रहेंगे। अब हम बात करते हैं थ्योरी की। जैसे आपको मेन बोर्ड एग्जाम में 23 नंबर लाने होते हैं पास होने के लिए, सेम आपको कंपार्टमेंटल एग्जाम में भी पास होने के लिए 23 ही नंबर लाने होंगे, इससे ज्यादा नंबर आपको नहीं लाने होंगे। यदि आप कंपार्टमेंटल एग्जाम में फेल हो जाते हो तो उसके बाद आपके पास कोई विकल्प नहीं है, फिर आपको दोबारा से रिपीट करना होगा। सबसे बड़ा सवाल कि सर जी, यदि हम कंपार्टमेंटल का एग्जाम देते हैं और हम पास भी हो जाते हैं, जो हमें मार्कशीट मिलेगी वो वैलिड रहेगी या फिर नॉट वैलिड रहेगी फ्यूचर के लिए? देखो बच्चों, एक बात बताना, मैं आप सभी से एक बात पूछूंगा और आप सभी बच्चे ना कमेंट करके जरूर बताएंगे कि जो मैंने आपको जानकारी दी है क्या आपको अच्छी लगी या फिर नहीं लगी। आप एक बात बताइए, जब जेक बोर्ड ने, हमारा जो बोर्ड है, शिक्षा बोर्ड है, उसने जब ये फॉर्म निकाला है, सारे कानून कायदे उन्होंने ही बनाए हैं, कैसे एग्जाम होगा, कैसा पेपर होगा, क्या सिलेबस रहेगा, क्या पैटर्न रहेगा, जब उनके अकॉर्डिंग बनाई गई सारी चीजें हैं, तो ये बताइए ये वैलिड क्यों नहीं रहेगा? जी बिल्कुल वैलिड रहेगा, कोई आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप आराम से कंपार्टमेंटल एग्जाम दीजिए, अच्छे नंबर से पास कीजिए, कॉलेज में एडमिशन लीजिए, आगे आप चाहे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कीजिए, फ्यूचर में आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। इस बात को आप दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि आप सभी ना डरे हुए हो कि सर जी हमने एग्जाम दिया कंपार्टमेंटल का, हम पास भी हो गए, क्या हमें फ्यूचर में कोई
नौकरी जॉब वगैरह मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। तो बच्चों ऐसा कुछ भी नहीं है, आप एग्जाम दीजिए, अच्छे नंबर से पास होइए, आगे आपके रास्ते खुले हुए हैं, क्योंकि बोर्ड का नियम है, बोर्ड ने निकाला है, तो सीधी सी बात है बच्चों आगे लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये बात मैं आपसे कहता हूं। तो ये था आपका सबसे बड़ा सवाल जो मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिया है। तो बच्चों ये थी आपके कंपार्टमेंटल एग्जाम को लेकर ऑल इन्फॉर्मेशन। फिर भी हो सकता है कि आपके माइंड में कोई और अलग से सवाल हो तो आप ना कमेंट बॉक्स आपके सेवा में भाई खुला हुआ है, आप बिंदास तरीके से वहां कमेंट कर सकते हो और हमसे सवाल जवाब कर सकते हो। साथ के साथ आप सभी बच्चे ने कमेंट करके ये जरूर बताएंगे कि आपको किस सब्जेक्ट के अंदर कंपार्टमेंटल लगा है। तो आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। फिर मिलते हैं बच्चों हम कंपार्टमेंटल की और अच्छी इन्फॉर्मेशन लेने लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।